दोस्तों महाभारत से इतर भी हमें महाभारत के संबंध में कुछ कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा है कर्ण और सर्प के बारे में। लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण के तुणीर में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सर्प आकर बैठ गया। तुणीर अर्थात जहां तीर रखते हैं, जिसे तरकश भी कहा जाता है, यह पीछे पीठ पर बंधी होती है। कर्ण ने जब एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह यह सर्प उनके हाथ में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कहां से आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तुणीर में जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उसी आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुक कर सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें। मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी ना रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। यह सुनकर सर्प वहां से उड़ गया। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और उस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।